नमस्कार, मैं रचना कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ रचना रेस्टोरेंट रसोई में। आज मैं फिर से एक थाली लेकर आई हूँ जिसमें बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां बनाई है मैंने और हेल्दी है, जो बच्चे खाते नहीं है वो भी खाएंगे। तो बारिश के मौसम में थोड़ा हमें सोच समझ के खाना बनाना पड़ता है, सबकी पसंद का भी ध्यान रखना पड़ता है प्लस हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ, जो थाली की रेसिपी, अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करें। एक और रेसिपी के साथ में जल्दी आऊंगी। तो चलिए बना लेते हैं आज की हमारी ये रेसिपी। तो इस बारिश के मौसम में ये सब्जियां आ रही है जो कि हम बना सकते हैं। तो अरबी की सब्जी है, अरबी मैंने ली है, इसको अच्छे से पानी से धो लिया है, अब इनको हम छील लेंगे। तो इस तरह से हम अरबी को छील लेंगे। अरबी को छील लिया है और इस तरह से एक बार पानी से फिर से धो लिया है, अब हम इसको काट लेंगे। चाहे तो आप लंबाई में काट सकते हो या फिर गोलाई में काट सकते हो, इस तरह से थोड़े मोटे ही रखें काटते टाइम। कुछ लोगों को अरबी ये काटते और छीलते वक्त ना हाथों में खुजली होने लग जाती है, मुझे भी होती है, तो उसके लिए आप हाथों पे तेल लगा लें, क्योंकि कटहल और अरबी काटते टाइम मेरे भी इस तरह से हाथों पे खुजली होती है। तो मैं जब सरसों का तेल लगा लेती हूँ पहले और उसके बाद में करते ना तो फिर ये नहीं होती है। अरबी को मैंने ऐसे काट लिया है गोल गोल टुकड़ों में और आप सब्जी बनाते हैं। तो अब सब्जी बनाने के लिए मैंने गैस जला दिया है, बर्तन रख दिया है और तेल डालेंगे। डेढ़ बड़ा चम्मच मैंने सरसों का तेल डाल दिया, तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है तो हम आंच को कम कर देंगे। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, चौथाई चम्मच राई, चौथाई चम्मच दाना मेथी, चौथाई चम्मच हींग, चौथाई चम्मच अजवाइन, सात आठ कली लहसुन की है जिसको बारीक बारीक काट लिया, साथ ही यहाँ पे दो प्याज है जिनको बारीक काट लिया। अरबी की सब्जी में आप अजवाइन जरूर डालें, इसका तड़का जरूर लगाएं, क्योंकि किसी किसी को अरबी जो है वो बाधी करती है, तो इस वजह से ये नहीं करेगी अजवाइन डालेंगे तो। प्याज को हमने आधा मिनट भून लिया है तेज आंच पे, आंच को कम कर देंगे एक बार। आधा चम्मच हल्दी पाउडर को हल्का सा पका लेंगे और ये हमारी कटी हुई अरबी डाल देंगे इसमें, आंच को तेज कर देंगे। खूब अच्छी तरह से उलट पलट करते हुए अरबी को इस तरह से हम अच्छी तरह से पका लेंगे। तेज आंच पे ही हमको इसको 5 से 7 मिनट इसी तरह से लगातार इसको पकाना है, ताकि ये जले नहीं नीचे से और थोड़ी सी कुरकुरी हो जाए, इसका पानी सूख जाए थोड़ा सा। ढककर हम पकाएंगे ना तो बहुत जल्दी तो गल जाएगी ये, और इसका पानी है वो सूखेगा नहीं जल्दी से, क्योंकि ढक्कन लगाने से भाप बन जाएगी और वो नमी की वजह से जल्दी से इसका पानी नहीं सूखेगा, हमको इसका सारा पानी सुखाना है। तो यहाँ पर मैंने तेज आंच पर इसको 5 मिनट के लिए इस तरह से फ्राई कर लिया है अरबी को। ज्यादा इनको गलाना नहीं है हमको ऐसे फ्राई करते हुए, नहीं तो ये टूट जाएंगी। तो अब मैं आंच को कम करूंगी। हल्दी हमने पहले ही डाल दी है, तो यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक या फिर स्वादानुसार, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, अच्छी तरह से मिला लेंगे। आंच को कम ही रखेंगे नहीं तो हमारे मसाले जलने लग जाएंगे। 2 हरी मिर्चें उनको काट लिया छोटा छोटा, वो डाल देंगे। और अब हमने मिर्ची और ये धनिया वगैरह डाले ना, इस वजह से इसको ढक के और बिल्कुल कम फ्लेम पे थोड़ी सी इस भाप बन जाएगी, तो हमारे मसाले हैं वो जलेंगे नहीं और थोड़े से पक जाएंगे। तो ढक के हमको 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल कम आंच पे इसको पकाना है। तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से हमारा मसाला अच्छे से पक गया है, बस 1-1.5 मिनट के लिए। और ये देखिए हमारी अरबी भी पक गई है। हरा धनिया डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग, कसूरी मेथी डाल देंगे। अब मैं सूखी सब्जी निकाल लूंगी थोड़ी सी। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच दही डाल रही हूँ, 2-3 चम्मच पानी डाल दिया है और बिल्कुल कम आंच रखेंगे और दही को थोड़ी सी देर इस तरह से मिला लेंगे। आंच को बिल्कुल कम रखें ताकि दही हमारा फटे नहीं सब्जी में, थोड़ी सी देर हमको इस तरह से मिलाना है इसको। और अब इसमें खुले में ही हम उबाल आने देंगे, 2-3 उबाल आ जाए ताकि ये दही जो है वो कच्चा ना रहे, और फिर गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी पानी वाली सब्जी तो बनी हुई है ही, सिर्फ हमने दही और पानी डाला है ताकि दही पक जाए, तो ये हमारी तरी वाली सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। तो खुले में ही मैं कम फ्लेम में इसको उबाल रही हूँ। तो ये देखिए ये हमारा दही पक चुका है, अब मैं बंद कर दूंगी गैस। हरा धनिया थोड़ा सा और डाल देंगे और ढक के रख देंगे, हमारी सब्जी तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने 1 कप के लगभग ये लहसुन की कलियां ले ली है, इनको अच्छे से पानी से धो लिया है। इधर मैंने 2 कप पानी उबालने के लिए रख दिया है, पानी में उबाला गया तो ये हमारा छीला हुआ और धुला हुआ लहसुन है, इसमें डाल देंगे। 5-7 उबाल आने देंगे इसमें, उसके बाद में गैस को बंद कर देंगे और 2-3 मिनट के लिए इसको ढक के रखेंगे, उसके बाद में इसका पानी निथार देंगे।
लहसुन को हमने उबाल लिया इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह से गलना चाहिए ये। तो इसका पानी इस तरह से निथार लिया, नीचे इसमें प्याले में ले लिया। तो जब हम मसाला बनाएंगे तो इसका पानी हम काम में ले लेंगे। अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने गैस जला दिया, बर्तन रख दिया, सरसों का तेल डालूंगी। 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल डाल दिया। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है तो हम फ्लेम को कम कर देंगे। 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच राई, हल्की सी दाना मेथी, 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच कलौंजी। और अब इसमें सूखे मसाले डाल देंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच नमक या फिर स्वादानुसार, लहसुन, कम आंच पे हमको इसको इस तरह से पकाना है थोड़ी सी देर। लहसुन का जो हमने छाना था वो थोड़ा सा पानी डालेंगे 1 चम्मच के लगभग। साथ में यहाँ पे मैं 1/4 कप के लगभग या फिर 2 बड़े चम्मच दही डाल दूंगी। अच्छे से मिलाएंगे, थोड़ी देर इस तरह से हिलाएं ताकि हमारा दही जो है वो फटे नहीं। थोड़ी सी देर दही को हिलाने के बाद में ढक के और इस मसाले को पकने तक हम पकाएंगे। ये हमारी सब्जी बनके तैयार है। इसको चटनी भी बोल सकते हो, इसको चार भी बोल सकते हो। आराम से 15-20 दिन 25 दिन इसको आप फ्रिज में रख के और खा सकते हो, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। गैस बंद कर दूंगी। 1 चम्मच के लगभग नींबू का रस है, ये डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें अदरक जो है वो बांट के और फिर डाल सकते हैं, पहले जब हम बनाते हैं तब मसाले में, और नहीं तो फिर इसमें 1/2 चम्मच में सौंठ का पाउडर मिला रही हूँ इसमें। बारिश के मौसम में और सर्दी के मौसम में लहसुन खूब खाना चाहिए। ये हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको मजबूत करता है। और आपको पता ही है लहसुन के क्या गुण है, तो आपको लहसुन जितना भी हो सके वो बारिश के मौसम में और सर्दियों में जरूर खाना चाहिए। तो ये हमारी लहसुन की एक रेसिपी तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पे हरी मिर्च की एक रेसिपी बना लेती हूँ, क्योंकि हरी मिर्च की रेसिपी जरूरी होती है हमारे यहाँ पे। चाहे कच्ची सेक के खाओ लेकिन हरी मिर्च जरूर होती है। तो अभी मैं थोड़ी सी एक अच्छी सी फ्राई करके रेसिपी बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने गैस जला दिया है, बर्तन रख दिया है, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। 2-3 छोटे वाले चम्मच है वो सरसों का तेल डाल दिया मैंने। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, 1/2 चम्मच के लगभग जीरा, फ्लेम को कम ही रखेंगे। थोड़ी सी 1/4 चम्मच के लगभग सौंफ, बिल्कुल थोड़ी सी राई, 1/4 चम्मच दाना मेथी, 1/4 चम्मच से भी कम थोड़ी सी 2-3 पिंच जो है वो हींग, हरी मिर्ची कटी हुई, ये 5-7 हरी मिर्ची है ये कटी हुई, ये डाल देंगे। आंच को तेज कर देंगे। ये देखिए तेज आंच पे ये मिर्ची के ऊपर सफेद सफेद से निशान होने लगे, तो आंच को वापस कम कर देंगे। क्योंकि एक बार तेल गर्म हो जाता है ना, तो अब दोबारा से जब ये मिर्ची हम फ्राई कर रहे हैं ना, तो उस तेल में जल्दी से फ्राई हो जाएगी ये, इसलिए शुरू में आप तेज कर दें आंच को। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच बेसन डाल रही हूँ और इसको इसके साथ ही सेकेंगे। तो जब तक बेसन की खुशबू नहीं आ जाए ना, तब तक आप सेकें इसको। वैसे तो तेल हमारा गर्म ही है तो जल्दी से सिक जाएगा। थोड़ा भी ये बेसन बिल्कुल कम कर रखी है मैंने आंच को, तो बेसन की अच्छी खुशबू आने लग गई है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच नमक, अच्छी तरह से मिला देंगे इसको। बहुत जल्दी मसाला पक जाएगा हमारा, क्योंकि बिल्कुल सूखा मसाला है, इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ मैं बिल्कुल भी। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा मसाला बिल्कुल पक गया है। ये देखो तेल छोड़ दिया इसने, गैस बंद कर दूंगी। 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा अमचूर पाउडर। ये हमारी मिर्च की रेसिपी तैयार हो गई। तो ये देखिए मैंने थाली तैयार कर ली है। यहाँ पे मैंने ये लहसुन की, आप सब्जी कह लो इसको, आप अचार कह लो, हम लोग चटनी बोलते हैं इस तरह से। ये अरबी की सूखी सब्जी है, ये पानी वाली सब्जी है, ये हमारी हरी मिर्ची है बेसन वाली। फिर मीठे में मैंने आज यहाँ पे भूरा चीनी ले ली घी डाल के, और सलाद है जो भी आपको अच्छा लगे। तो इस तरह से ये आज मैंने थाली बनाई है। इस मौसम में अरबी की सब्जी आ रही है, तो ये सीजन की सब्जियां हैं और सीजन के हिसाब से ही रहती है, तो खानी चाहिए ये सब्जियां बना के। तो इस तरह से ये थाली बनाइए। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, बनाइएगा जरूर एक बार, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको मेरी ये थाली की रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। तो एक और रेसिपी के साथ मैं आऊंगी, आप ये जरूर बनाइएगा, मुझे कमेंट करके बताना मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।